नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना से बचाव के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। खाद की कालाबाजारी करने वालों पर चला कृषि विभाग का डंडा। लता मंगेशकर के गुजर जाने पर लालू नीतीश ने बताया इसे अपूर्णीय क्षति। बिहार में अब राजस्व सेवा के अफसरों को दंडित करने में नहीं होगी देरी। देश की सभी पंचायतों का मास्टर प्लान बनाएगी केंद्र सरकार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना से बचाव के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। बिहार में कोविड-19 के वर्तमान मामलों के बीच नई गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है। सीएम नीतीश की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। कोविड संक्रमितों की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ और 9वीं और ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय और महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खोले जाएंगे। केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश मान्य होगा। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क और उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें आगंतुकों के साथ 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगी। जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाने का आदेश जारी हुआ। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रविंद्र प्रभात की। रविंद्र प्रभात भारत के हिंदी कवि, कथाकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, स्तंभकार, संपादक और ब्लॉग विश्लेषक है। उन्होंने लगभग सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन किया है, परंतु व्यंग और गजल में उनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। 1991 में प्रकाशित अपने पहले गजल संग्रह हम सफर से पहली बार वो चर्चा में आए। लखनऊ से प्रकाशित हिंदी दैनिक जन संदेश, टाइम्स और डेली न्यूज एक्टिविस्ट के वो नियमित स्तंभकार रह चुके हैं। इनका जन्म 5 अप्रैल 1969 को महिंद द्वार गांव सीतामढ़ी जनपद बिहार के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेला परिहार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय और सीतामढ़ी के ओरिएंटल मध्य विद्यालय, मथुरा उच्च विद्यालय और राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज में हुई थी। खाद की कालाबाजारी करने वालों पर चला कृषि विभाग का डंडा। खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कृषि विभाग अब नकेल कसने में जुट गई है। आलम कुछ यूं है कि राज्य में खाद की कालाबाजारी को लेकर विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है, जिसके तहत ही 300 कारोबारी चपेट में आ गए हैं। जिसके बाद ही कृषि विभाग ने जांच के बाद इनमें से 265 खाद कारोबारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसी के साथ 131 कारोबारियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। 1 दर्जन से अधिक प्रखंड कृषि अधिकारियों से कृषि निदेशक सावन कुमार ने जवाब तलब किया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में खाद की कमी है। यही कारण है कि कारोबारी अधिक दाम पर खाद बेच रहा है। इसके कारण ही अब कारोबारी अधिक दाम पर खाद बेच रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। बिहार में मिले कोविड-19 के 300 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 295 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2450 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 1, औरंगाबाद में 5, बांका में 2, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 10, भोजपुर में 9, बक्सर में 9, दरभंगा में 3, ईस्ट चंपारण में 1, गया में 8, गोपालगंज में 20, जमुई में 10, जहानाबाद में 1, कैमूर में 3, कटिहार में 7, खगड़िया में 0, किशनगंज में 0, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 32, मधुबनी में 2, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 9, नालंदा में 3, नवादा में 2, पटना में 44, पूर्णिया में 12, रोहतास में 2, सहरसा में 21, समस्तीपुर में 14, सारण में 5, शेखपुरा में 4, शिवहर में 0, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 7, सुपौल में 3, शाली में 8, वेस्ट चंपारण में 16 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 3 ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए थे। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,15,010 सैंपल की जांच हुई। वहीं इस दौरान 761 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में 7 उत्पादों को मिलेगी GI टैग। बिहार में 7 उत्पादों को जल्द ही GI टैग देने की तैयारी हो रही है। नाबार्ड की तरफ से की गई पहल के बाद गया की सौंधी खुशबू की पहचान लिए तिलकुट और पत्थरकट्टी की तराशी गई खूबसूरत मूर्तियों को जल्द ही GI टैग मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बारे में पटना में नाबार्ड की तरफ से GI टैग पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य के 7 उत्पादों में गया का तिलकुट, गया के पत्थरकट्टी की मूर्तियां, नालंदा का बावन बूटी, पटना की कलम पेंटिंग, सीतामढ़ी की बालूशाही, भोजपुर का खुरमा और हाजीपुर का केला को चिन्हित किया गया। खबर के अनुसार इस पर खर्च का पूरा वहन नाबार्ड ही करेगी।
शांता सिन्हा को मिला था लता दीदी का सहारा। स्वर कोकिला लता दीदी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन एक समय ऐसा था जब लता दीदी शारदा सिन्हा का सहारा बनी थी। बीते दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर बिहार कोकिला शारदा सिन्हा ने अपने संस्मरणों के साथ उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि कैसे जब शारदा सिन्हा पिछले साल कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, तब उन्हें लता मंगेशकर के गानों का सहारा मिला। इसके साथ ही शारदा सिन्हा ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब पिछले साल वो कोरोना से संक्रमित हुई थी, तब 16 दिन तक अकेले रहने के दौरान उन्होंने लता जी का एक खास गीत गुनगुनाकर समय व्यतीत किया था। उन्होंने कहा कि लता दी के उस गीत से मुझे कोरोना के विषम काल में बड़ा साहस मिला। इस दौर में 16 दिन उनके गानों को गाकर मैंने काटा है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने निकाली रिक्तियां। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 91 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए ट्रेड्स की बात करें तो इसमें बढ़ई, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, सिविल ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लैबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट, मेसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कक्षा 8वीं, 10वीं या 12वीं और संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 2 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.npcil.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। 28 जिलों के 99 थाने और ओपी का कोई अता पता नहीं। बिहार में पुलिस थाना और चौकी से कई पुलिस अधिकारी आए दिन गायब रहते हैं। आलम कुछ यूं है कि एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि राज्य के 28 जिले, एक रेल जिला सहित 99 थाने और ओपी लापता हो गए हैं। इन लापता थानों और ओपी की खोज की जा रही है। अचरज में डालने वाली ये सूचना एक हद तक सही है। इन लापता थानों और ओपी की खोज इसलिए की जा रही है, आपको बता दें कि इन थानों और ओपी के भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं होने की बात तब पता चली जब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL के एक्सपर्ट थानों में CCTV लगाने पहुंचे। लिस्ट में लापता हुए 62 थानों और 37 ओपी के नाम है। राज्य पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारियों ने बताया कि कई अधिसूचित थानों के अस्तित्व में आने में वक्त लगता है। फरवरी में नहीं मिलेगी ठंड से राहत। फरवरी महीने में आमतौर पर ठंड से निजात मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार स्थिति से ठीक उलट है। इस बार लोगों को ठंड से निजात मिलना तो दूर, लोगों को राहत तक मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राजधानी समेत पूरे सूबे में इस बार ठंड अधिक समय तक रहेगी। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और अधिकता राज्य के मौसम को प्रभावित रही है और जलवायु और मौसम के जानकार इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को भी एक वजह मान रहे हैं। हालांकि इस बार की बात करें तो फरवरी का तापमान पिछले 7 सालों में सबसे कम है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटे में प्रदेश के औसत तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने के आसार हैं। पछुआ हवा के 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने की वजह से ठंड का अनुभव अधिक हो रहा है। हालांकि अगले 24 घंटे में उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व में हल्की बारिश के अनुमान है। अब आपको मछली खरीदने के लिए बाजार के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अब आप घर बैठे बैठे ही मछली का ऑर्डर दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मछली का ऑर्डर होने के तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर आपके घर पर मछली पहुंच जाएगी। इस सुविधा को पटना जिला मत्स्य कार्यालय की तरफ से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट jalkafal.com बनाई गई है, साथ ही इसका एंड्रॉइड ऐप भी बनाया गया है। अब कुछ तकनीकी कार्य बचे हुए हैं जिसके पूरा होते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। जिला मत्स्य कार्यालय से मिली सूचना के मुताबिक इस सुविधा को फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में शुरू किया जा सकता है। हालांकि आपको मछली की क्वालिटी को लेकर भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां मछलियों की क्वालिटी बेहतर रहे इसे सुनिश्चित किया जाएगा। मछली के व्यापारी बतौर विक्रेता इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसके साथ ही अपने उत्पादन को भी बेच सकते हैं। बिहार में अब राजस्व सेवा के अफसरों को दंडित करने में नहीं होगी देरी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर लंबित मामलों का एक निश्चित अवधि में निस्तारण करने का निर्देश जारी कर दिया है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि विभाग और निदेशालय में कई कर्मियों और विभागीय कार्रवाई की प्रतिक्रिया लंबी है और इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। साधारण मामलों में मामूली और गंभीर मामलों में कठोर दंड दिया जाएगा। हालांकि विभागीय कार्रवाई में समय लगने के कारण कर्मचारी और अधिकारियों को दंडित करने में सालों लग जा रही है। स्थिति अब यह है कि राजस्व सेवा के अधिकारी रामदत्त पासवान पर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी लखीसराय में 26 सितंबर 2018 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आरोप पत्र भेजते देखी गई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब उम्मीद है कि राजस्व सेवा के अफसरों को दंडित करने में कोई देरी नहीं होने वाली है। बिहार में रोटेशन से होगी स्कूलों में उपस्थिति। आज से प्रदेश भर में प्रारंभिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान को खोला जा रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ बातों का ध्यान स्कूलों को भी रखना होगा, जिसके तहत 50% बच्चों की उपस्थिति के साथ ही सभी पहली से आठवीं तक के विद्यालय संचालित किए जाएंगे, जिसके बाद ही बाकी के 50% बच्चे दूसरे दिन कक्षा में आएंगे, यानी कि रोटेशन के तहत बच्चों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। ये व्यवस्था क्रमबद्ध चलाई जाएगी। अधिक नामांकन वाले शिक्षण संस्थान दो पाली में संचालित होंगे। 9वीं से ऊपर के विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान
संस्थान 100% विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे। सभी संस्थान कोविड 19 प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन भी सुनिश्चित कराएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जानकारी साझा कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी कुलपति और जिला शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी को गाइडलाइन का पालन कराने का आदेश भी दिया है। जदयू में प्रकोष्ठ अध्यक्षों की हुई नियुक्ति। बिहार की सत्ताधारी जदयू नेतृत्व ने कुछ समय पहले भंग प्रकोष्ठ का फिर से गठन किया है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसका ऐलान किया। जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का पद पीयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज को दिया गया। पिछली बार प्रकोष्ठों की संख्या काफी अधिक थी। इतनी अधिक थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आदेश पर सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया था। अब जाकर के नए प्रकोष्ठ अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाई गई है। वहीं छात्र जदयू प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल को बनाया गया है। श्वेता विश्वास को महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष, सलीम परवेज को अल्पसंख्यक सेल का प्रदेश अध्यक्ष, विजय सिंह निषाद को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, कमल नेपानी को व्यवसायिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार के वेटलैंड्स बनेंगे पर्यटन स्थल। बिहार के वेटलैंड्स को विकसित कर पर्यटन स्थल बनाने की सरकार योजना बना रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये पानी प्रबंधन के बेहतरीन स्रोत के रूप में भी चिन्हित किए गए हैं। ऐसे में इनके बेहतर प्रबंधन के लिए जिलों में डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन कर विकसित किए जा सकने वाले वेटलैंड्स की पहचान कर रिपोर्ट तैयार करने की जानकारी दी गई है। इस समिति में संबंधित जिले के DFO मेंबर, सेक्रेटरी कॉलोनी विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी सदस्य होने वाले हैं। समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। फिलहाल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को 100 हेक्टेयर से बड़े 28 वेटलैंड्स की जानकारी दी गई है। NIA, IB और ATS की तरह अब ऑफेंसिव कार्रवाई करेगी पटना पुलिस। पटना पुलिस अब NIA, IB और ATS की तरह ऑफेंसिव यानी कि आक्रामक कार्रवाई करने वाली है। इसको लेकर SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सभी SP, DSP, SPDO और थानाध्यक्षों को बिंदुवार निर्देश जारी कर दिया है। बकायदा आदेश जारी करते हुए एक कॉपी सभी को दे दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस को डिफेंसिव कार्रवाई के बदले ऑफेंसिव कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से NIA, ATS और IB आतंकवादियों के एक एक सदस्य के पल पल पर नजर रखती है, उस तरह पुलिस को भी अब सभी अपराधियों पर नजर रखनी होगी। उससे हर एक गतिविधि पर नजर रखनी होगी, हर एक चीज का पता करना होगा। इतना ही नहीं, रोज वाहन चेकिंग करने पर और अंशुल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने थाना क्षेत्र में गश्ती को चेक करेंगे। इसका आदेश भी जारी किया गया है। बंगाल वॉरियर्स को पटना पायरेट्स ने दी मात। प्रो कबड्डी लीग में 8वें सीजन में बीते दिन पटना पायरेट्स और बंगाल वॉरियर्स के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें पटना पायरेट्स ने 38 पॉइंट बनाकर जीत दर्ज की। पिछले मुकाबले में जहां पटना पायरेट्स ने गुजरात जॉइंट्स को 43-23 से धूल चटाया था, वहीं बंगाल वॉरियर्स को गुजरात जॉइंट्स ने 34-25 रनों से हराया था। पॉइंट टेबल की बात करें तो पटना पायरेट्स ने 16 मैच खेले हैं, जिसमें 11 जीती है और 4 में उसे हार मिली है, जिसके बाद वो दूसरे नंबर पर है। वहीं बंगाल वॉरियर्स 14 मैच में से 7 जीती है और बाकी हारने के कारण 10वें नंबर पर है। इससे पहले भी प्रो कबड्डी लीग के कुछ टीम के सदस्य की कोविड 19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद आयोजक कुछ मैच के कार्यक्रम में बदलाव करते देखे गए थे। हालांकि अब एक बार फिर से जोर शोर से तैयारियां देखी जा रही है। बिहार की बदहाली के लिए जदयू और राजद जिम्मेदार। जा प्रमुख पप्पू यादव ने बीते दिन बिहार की बदहाली को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने जदयू और राजद को बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार बताया है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि विशेष राज्य के मसले पर भाजपा बिहारवासियों को धोखा दे रही है। विकास के लिए आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत है। आज बिहार विकास के सभी पैमाने पर सबसे नीचे है। बिहार के पिछड़ेपन में जदयू और राजद दोनों जिम्मेदार है। लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार का बंटवारा हो गया, जिससे तमाम खनिज संपदा झारखंड में चली गई। केंद्र में लालू जी लगातार मंत्री बने, लेकिन बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। आज नीतीश कुमार 16 साल से भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज तक बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज केंद्र से नहीं ले पाए हैं। लालू और नीतीश ने राजनीतिक एजेंडा इसको बना रखा है। ये सभी लोग बिहार की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। कांग्रेस ने राजद के अहंकार को दिया जवाब। बिहार विधान परिषद की जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है, उसको लेकर राजद और कांग्रेस के बीच में मनमुटाव जारी है। आलम कुछ यूं है कि इस चुनाव को लेकर राजद ने कांग्रेस को कोई तरजीह ही नहीं दी है। राजद की तरफ से तवज्जो नहीं मिलने पर कांग्रेस ने अब राजद के अहंकार को लेकर जवाब दिया है। अब कांग्रेस के नेता खुलकर राजद की नीयत पर सवाल भी उठाने लगे हैं। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने राजद की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि जब भी सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने की बारी आई, कांग्रेस ने ऐसे क्षेत्रीय दलों का साथ दिया, लेकिन अब जब राजद ने विधान परिषद चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है, तो यह आशंका नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भाजपा को मजबूत करना चाहते हैं।
जदयू को पहले भी हराया था, आगे भी हराऊंगा। सांसद चिराग पासवान बीते कुछ दिनों से जब भी मीडिया में आ रहे हैं तब से ही वो बार बार जदयू को जरूर निशाने पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से जदयू को खुली चुनौती दी है, जिसके तहत ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आगामी विधान परिषद के चुनाव को लेकर साफ कहा है कि एनडीए में जारी विरोध में आज हर कोई वाकिफ है, गठबंधन के अंदर ही मनभेद देखने को मिल रहा है। हालांकि एनडीए अपनी नैया कहां तक खींच पाती है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन बात अगर एमएलसी चुनाव की करे तो बिहार एमएलसी का चुनाव हम लोग अकेले लड़ने वाले हैं। अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का चयन भी हो गया है, कुछ और सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। पहले भी हमने जदयू को हराया था, आगे भी हराएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा जदयू के बीच बताया पिता पुत्र का रिश्ता। जदयू राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में अपना बयान जारी करते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की ही, साथ ही इसको लेकर साफ तौर पर कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद किसी पार्टी के नहीं बल्कि राज्य की जनता की है। रविवार को शादी समारोह में शामिल होने लखीसराय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उक्त बातें कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार लगातार हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, सभी क्षेत्रों में काफी विकास भी हुआ है। इसके बावजूद विकसित राज्य के मुकाबले बिहार काफी पीछे है। बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने इस दौरान यह भी साफ किया है कि भाजपा जदयू के बीच में पिता और पुत्र का रिश्ता है। जो भी मनमुटाव की खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल ही गलत है। लता मंगेशकर के गुजर जाने को लालू नीतीश ने बताया अपूर्णीय क्षति। स्वर को खिला लता मंगेशकर ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं उनके गुजर जाने पर बिहार में भी शोक का कुल माहौल देखने को मिला। यही कारण है कि उनके गुजर जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। इस बाबत सीएम नीतीश ने कहा कि लता मंगेशकर प्रख्यात पार्श्व गायिका थी, उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अन्य खिताबों से सम्मानित किया गया था। वो भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। देश की सभी पंचायतों का मास्टर प्लान बनाएगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अगले 25 साल में यानी कि 2047 तक देश के सभी पंचायतों का मास्टर प्लान बनाने जा रही है, जो कि राज्य के सहयोग से ही बनाया जाएगा। इस पहल से गांव में लोगों को होम लोन लेना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय बुनियादी ढांचे, विकासात्मक आवश्यकता, रोजगार के अवसर और पंचायतों के संसाधनों को बढ़ावा देने के प्रयास होंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में गिरिराज सिंह ने पंचायतों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ साथ एक महिला और एक युवा और एक बुजुर्ग को जरूर शामिल करें। भारत ने जीता 1000वां वनडे मैच, सीरीज में बनाई बढ़त। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने अपना 1000वां वनडे मैच का दमदार आगाज किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को 176 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के 60 रनों की अर्धशतकीय पारी की मदद से 132 गेंद शेष रहते बाजी अपने नाम कर ली। वहीं इस मुकाबले में स्पिन बॉलर युजवेंद्र चहल भी खेल रहे थे, उन्होंने यहां एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चहल ने वनडे मैच में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं, ऐसा करने वाले 23वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच गठित संयुक्त विरोधी दल की पहली बैठक 7 फरवरी 2000 को शुरू हुई। महाराष्ट्र के राज्यपाल एससी जमीर ने 2009 में स्वतंत्र भारत की 12वीं और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की डी लिट की उपाधि से नवाजा। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 7 फरवरी 2010 को खत्म हुआ। आपको बता दें कि यह मेला 9 दिनों तक चला, जिसमें करीब 2000 प्रकाशकों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रामाबाई अंबेडकर का जन्म 1898 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री अंकिता शर्मा का 7 फरवरी साल 1987 में जन्म हुआ। अभिनेत्री प्राची शाह का 7 फरवरी 1980 को जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी किदंबी श्रीकांत का जन्म 1993 में हुआ। 1942 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल का जन्म हुआ था। पंचतत्व में विलीन हुई लता मंगेशकर, भाई ने दी मुखाग्नि। भारत की स्वर कोकिला और महान गायिका लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई है। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। लता जी को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। याद हो, इस अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, आमिर खान, अनुपम खेर, जावेद अख्तर सहित पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्ती पहुंचे थे। वहीं इस दौरान गोधुली बेला में सशस्त्र सलामी और पूरे राज्य के सम्मान के साथ लता मंगेशकर को अंतिम संस्कार
किया गया, जिसके बाद ही अब लता मंगेशकर हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, बबलू यादव, गजेंद्र सिंह, पंकज कुमार दास, अजीमा फिरदौस, आयुष कुमार, संजय कुमार, चंदन भारती, राजीव कुमार, ओमकार सिंह, रिजवाना अहमद, सोनू कुमार, जयप्रकाश कुमार, अनु कुमारी, पूजा कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।